हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने अब तक स्वर, स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार और उसके उदाहरण, उसके बाद स्वर की मात्राएं कितने होते हैं, किस तरह से हैं, देखा। उसके बाद आपने देखा व्यंजनाक्षर, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उदाहरण भी आपने देखा। व्यंजनाक्षर का ही और एक भाग होता है संयुक्ताक्षर। तो आज हम कक्षा में संयुक्ताक्षर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, कौन से हैं, किस तरह से बने हैं, क्यों उनको संयुक्ताक्षर कहते हैं, आदि विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले संयुक्ताक्षर की परिभाषा से। तो परिभाषा क्या होता है, देखिए, एक से अधिक अक्षर के संयोग से बने अक्षर ही संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। एक से अधिक अक्षर के संयोग से बने अक्षर ही संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है मिलना, एक से अधिक अक्षर वापस मिलकर एक नया अक्षर बना देता है, इसलिए उनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्ष, त्र, म्य और श हमारे चार हिंदी के संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। कैसे बने, देखिए संयुक्ताक्षर की रचना हमने यहाँ पर लिखा है। क के साथ श है, उसके बाद वो क्ष बना है। त के साथ र है, त्र बना है। ज के साथ ज्ञ है, ज्ञ बना है। श के साथ र है, श्र बना। इस तरह से एक से अधिक अक्षर के मिलने से जो नया रूप आप देख रहे हैं, परिवर्तन हुआ हुआ, इस परिवर्तन को ही हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो चार संयुक्ताक्षर होते हैं। उसके बाद हम आते हैं संयुक्ताक्षर में दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार हैं, कौन से? एक सजातीय संयुक्ताक्षर और दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षर। इसका अर्थ क्या है, देखिए, सजातीय संयुक्ताक्षर, सजातीय संयुक्ताक्षर एक ही जाति के अक्षर जिन अक्षरों के साथ रहते हैं उन्हें हम सजाती संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे कि पक्कड़, सम्मान, उत्तर, नुक्कड़, ढक्कन आदि शब्द आप देख रहे हैं, इसके नीचे रेखा किया गया है। इसका मतलब एक ही जाति का संयुक्ताक्षर इस पूर्ण अक्षर के साथ मिलकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इनको सजातीय संयुक्ताक्षर कहते हैं। यहाँ पर रेखांकित किए गए हर अक्षर संयुक्ताक्षर, सजातीय संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दूसरा भाग है विजातीय संयुक्ताक्षर। अब देखिए अलग अलग जाति के अक्षर होते हैं। कैसे? अमृत, कार्यालय, शक्ति, युक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमृत को हमने म के साथ र संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया और दोनों अलग अलग जाति के अक्षर है। यह है कार्यालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं य को र की मात्रा के साथ, र का संयुक्त अक्षर के साथ हमने प्रस्तुत किया है, तो यह हो गया विजाती संयुक्त अक्षर। उसी तरह शक्ति और युक्ति, इस तरह से अलग अलग जाति के अक्षर दूसरे अक्षर के साथ प्रयोग होते हैं तो वो विजाती संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। एक ही जाति के अक्षर अगर प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम सजाती संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये हो गया संयुक्ताक्षर की परिभाषा, उसके उदाहरण, रचना क्रम, उसके प्रकार, प्रकार की परिभाषा, उसके उदाहरण। तो इससे संबंधित गृह पाठ के प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। यहाँ पर आप अर्थ देख सकते हैं एक ही, एक से अधिक अक्षर के संयोग से बने हुए अक्षर की संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। प्रश्न दो है, उसमें कितने प्रकार है और वह कौन कौन से हैं। तो संयुक्ताक्षर में दो प्रकार होते हैं, एक सजातीय संयुक्ताक्षर और दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षर। प्रश्न तीन, 10 सजातीय और 10 विजातीय शब्दों को उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है। अगली कक्षा में हम 12 खड़ी की रचना क्रम, 12 खड़ी किस तरह से रचना होती है और उदाहरण कैसे होते हैं हम देखेंगे। धन्यवाद।